हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये सारे जो आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं ना, ये उत्तपम बनाने के लिए मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो आज मैं आप लोग साथ उत्तपम की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल अच्छे से जब गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया हुआ है कड़ी पत्ता, हींग और राई क्रैक हो गए थे। इसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ एक प्याज डाल दिया हुआ है, दो हरी मिर्ची, मटर, मूँगफली और उड़द की दाल। मैंने इनको अच्छे से पकने के लिए भाप में रखा हुआ है, सिर्फ 2 मिनट ही रखना है। देख सकते हो, 2 मिनट बाद मैंने इसको अच्छे से चला लिया और इसमें मैंने अब डाल दिया हुआ है छोटा मीडियम साइज का। मैंने इसमें टमाटर डाला हुआ है, अगर आपको पसंद है तो डालना, हमको अच्छा लगता तो मैंने डाल दिया हुआ है। और इसके बाद ना जल्दी पकाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया हुआ है नमक, अच्छे से सौते कर लूँगी। इसमें मैंने हल्दी डाल दिया है थोड़ा सा, और पिंच भर मैंने लाल मिर्ची डाली हुई ताकि सिर्फ कलर आ जाए इसके लिए। तो यहाँ पर अगेन मैंने इसको 2 मिनट के लिए भाप में पकाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से सारी सब्जियाँ ना पक गई, क्योंकि नमक भी डाल दिया हुआ है मैंने और भाप में पकाया ना, तो बहुत अच्छे से सारी सब्जियाँ सॉफ्ट भी हो गई हैं। और यहाँ पर हो रहा है पानी गर्म। जब भी आप लोग उत्तपम बनाए ना, तो अच्छे से मतलब पानी को गर्म कर लीजिएगा, तो उससे ना उत्तपम बहुत खिला खिला बनता है। ठंडे पानी से बनाओगे ना तो उत्तपम इतना खिला खिला नहीं, मतलब गर्म पानी डालोगे तो बहुत अच्छे से खिला खिला बनेगा। और मैंने इसको इसमें डाल दी हुई है सूजी, अब मैं उसको भी अच्छे से भून लूँगी। और ये देखो, यहाँ पर अब मैंने पानी ऐड किया हुआ था, बट वो वाली क्लिप ना कहीं मुझसे मिस हो गई, तो वो मैंने इसमें एडिट नहीं की हुई है। और यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया और तो भाप में अच्छे से इसको पकाया, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसको मैंने अगेन अब मैं ढक के रख दूँगी। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू की पकौड़ी, क्योंकि मुझे ना खाने का मन हो रहा था आलू की पकौड़ी। और हनी बोले कि मुझे उत्तपम खाने का मन हो रहा, मैंने बोला कि चलो थोड़ा थोड़ा सा दोनों चीज़ें बना लेते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा और दोनों चीज़ें दोनों की मन का हो भी जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बना ली हुई हैं आलू की पकौड़ियाँ, अलट पलट करके अच्छे से दोनों तरफ से मैं इनको सेक लूँगी। और मतलब ऐसा होता है ना कि यार, मतलब अभी थोड़ी सी ठंडी वाला, थोड़ा लाइटली से ना, अभी ठंडी का मतलब सुबह और शाम को थोड़ा ठंडी वाला मौसम होता है, इसलिए खाने का मन हो रहा। फिर गर्मी आ जाएगी तो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा, सिर्फ लिक्विड चीज़ें जो होंगी पीने का मन करेगा, हल्की फुल्की ठंडी ठंडी सब चीज़ें खाने का मन करेगा। तो यहाँ पर मेरी आलू की पकौड़ियाँ भी बन गई। और मेरी साइड से ना आप लोग, मैं गैलरी में बैठ के वॉइस ओवर करूँ तो बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ें आ रही, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो मेरी गर्मा गर्म आलू की पकौड़ी बन चुकी है। लगाया हुआ था दही, क्योंकि मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा डंडरफ हो रहे थे, तो मैंने लगा लिया हुआ दही। और दही लगाने से ना बाल में थोड़ा सा शाइनिंग भी आ जाएगी, मेरे बाल ना एकदम रफ एंड टफ वाले हो गए हैं, तो मैंने ना धूप में बैठे बैठे ही दही लगा लिया हुआ है। और पूरा दही देखो मैंने ख़त्म कर लिया हुआ है। वैसे मेरे बड़े बाल हैं तो मैंने स्केल में बहुत अच्छे से एकदम लगाया हुआ है कि अच्छे से लग जाए, तो मेरे ना जो डैंड्रफ हो ना वो कम हो जाए, क्योंकि ठंडी में होता है यार ऐसा, स्केल में ना मतलब ऐसी इचिंग होती रहती है, थोड़ा सा कुछ अपन ऐसे ऐसे करते रहो ना तो हो ही जाते हैं डैंड्रफ, तो मुझे भी डैंड्रफ हो गए। और अभी मैंने ना दही लगाया, तो अभी 10 मिनट रखूँगी मैं, और इसके बाद मैं शावर लूंगी। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, फिर नहा धुल के आप लोगों से मिलती हूँ। शावर लेकर आ चुकी हूँ और अभी ना मैं आप लोगों को अपने बाल दिखाती हूँ। और देखो धूप में कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, एक्चुअली धूप एग्जैक्ट पड़ रही है ना मेरे फेस के ऊपर इसी वजह से। और इस टाइम पर ना धूप पूरे इस रूम में आ जाती है, 12 बजे के बाद ना इस साइड धूप आ जाती है, तो 2-2.5 बजे तक इस रूम में भी बहुत अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो ऐसा होता है ना, ठंडी में ज़्यादा कहीं घूमना नहीं होना, तो बाहर गैलरी में तो बैठ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ धूप लगने लग जाती है ना इसी वजह से। तो फिर यहाँ क्योंकि चुभने वाली धूप पड़ने लगी है ना अभी इसी वजह से, मतलब सुबह तो ऐसा होता है धूप बहुत चुभ रही होती है, बट रात में ना बहुत तेज़ ठंडी लगने लग जाती है। और यहाँ पे ना अभी मैंने मेरा ब्लैंकेट जो था ना उसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी धूप लगा जाए, तो थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया ताकि कि अच्छा सा हो जाए। और अभी ना मैंने मेरे जो बाल में लगाया था मैंने दही, तो देखो मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा मुझे सिल्की सिल्की भी लग रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है ना। आज मेरे फेस में आप लोगों को एक कमी लग रही होगी, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने नथनी निकाल दी हुई है ना इसी वजह से। और बस मेरे बाल मुझे पता नहीं आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि मैंने दही से सर धुला है ना इसी वजह से। और पुराने जमाने में तो दही छाछ से सर धुलना ना मतलब एक आम बात थी, बट अभी धुलते हैं ना तो सब लोगों को लगता है दही से सर धुल रही है, छाछ से सर धुल रही है, ऐसा कौन करता है, शैम्पू इतने अच्छे अच्छे आगे उनसे धुलू, बट ऐसा नहीं होता, नेचुरल चीज़ों की बात कुछ और ही होती है। और आज ना मेरा सर भी थोड़ा सा मतलब भारी भारी सा हो रहा था ना, दर्द भी हो रहा था, तो बट मुझे थोड़ा सा आज रिलैक्स वाली फीलिंग आ रही है। और अभी मैं ना आप लोगों को दिखाऊं, भैया आए थे तो क्या देकर गए, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रुको 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 रुको, पहले लाइट ऑन कर दूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो ये क्या रखा हुआ है,
ये रखी हुई है यहाँ पर बोरी, और अभी इसमें से मैं ना निकाल के दिखाती हूँ। देखो इसमें क्या है, इसके अंदर भी बोरी है। और ये देखो, रुको एक मिनट, इसको मैं पहले अच्छे से ओपन कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो मैंने इसको ओपन कर दिया और यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है सिक्के वाले चने, और जिसको होला भी बोलते हैं, चना भी बोलते हैं। आप लोगों को कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं तो अभी एक ना ओपन करके खा भी लेती हूँ। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई हूँ ना, इसलिए लोग एक निकाला था वो भी गिर गया। सो ये रहे चने, और ये जो इस तरीके से सेक के देते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें है गुड़, जो कि आप लोग को दिख गया होगा तो दिखाऊं, ये देखो गुड़। और इस टाइप के भी गुड़ आने लगे, पहले तो बहुत बड़े बड़े आते थे, बट अब ना इस टाइप के गुड़ आने लगे, छोटी छोटी सी बॉल टाइप के। तो ये बहुत सारा इसमें भी गुड़ है, देखो कितना सारा गुड़ है। और हम तो दो ही लोग हैं, इतने सारे गुड़ का करेंगे क्या पता नहीं। और अभी इन दोनों को ना मैं, मतलब गुड़ तो नहीं खाऊंगी अभी, चने में थोड़ी देर से खाने बाहर बैठ जाऊंगी। तो यहाँ पर दाल चावल बन के रेडी हो चुके हैं, वो भी आम के अचार के साथ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सुबह आलू की पकौड़ी वगैरह खा लेती थी, तो अभी दिन में थोड़ा सा हल्का खाने का मन था, तो दाल चावल से बेस्ट कुछ और है ही नहीं। और थोड़ी सी दाल बच गई है, परंतु ये सुबह जो बनाए थे ना पकौड़े, उसका रखा ही हुआ है, तो अभी मैं इसको निकालना है। और इसमें भी थोड़े से चावल बच चुके हैं, तो अभी ना मैं इन सबको निकाल लेती हूँ, बर्तन वगैरह धुलना है वो धुल लेती हूँ। और हनी गए हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, तो अभी वो सामान आता है फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या है। चलो पहले मुझे बर्तन धुलना, तो बर्तन धुल लेती फिर मिलती हूँ आप लोगों को। कपड़े धुले थे तो मैं कपड़े भी उठा लेती हूँ, और अभी ठंडी लगने लगी, दिन में धूप नहीं लगती है, अभी ठंडी वाली फीलिंग आने लगी है। तो यहाँ पे ना मैंने हनी के कपड़े धुले थे, तो वही मैं निकाल लेती हूँ, और इनके ना सब में मैं बटन लगा देती हूँ। तो पहले मैं बटन खोल लेती हूँ, सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हुए हैं। हनी के कपड़े ज़्यादा थे, मेरे तो नहीं थे, मेरे तो उस वाली बालकनी में डले हुए हैं, तो अभी वहाँ पे जो रजाई ब्लैंकेट डला हुआ है ना वो भी निकालनी है। ब्लैंकेट और रजाई एक ही है यार, वहाँ कितनी धूप चल रही है यार। उस बालकनी में जो कपड़े डले ना वो भी निकाल देती हूँ, और इन सबको साथ में ही घड़ी कर दूँगी। मैंने सारे कपड़े उठा लिए, और ये रहे यहाँ पे रजाई, तो इसको भी उठा लेती हूँ। और अभी बस मैंने ना इसको चटाई के ऊपर डाला हुआ था, तो इसको भी हम देते हैं अंदर। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या आया है घर में नया सामान। तो ये देखो, ये आया, अभी तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो ये पैड है, बेड का स्ट्रक्चर है, और ये रही प्लाई, तो अभी इसको इसके ऊपर फिट करना है। और ये रहे इसके दो बीच वाले, ये जो आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे से कोने, इसमें लग जाएगा और प्लाई लग जाएगी। तो अभी हम इसका, मतलब इसका, इसको सेट कर लेते हैं, पूरा बेड बना लेते हैं, फिर दिखाऊंगी। एक्चुअली ना ये है वो वाला बेड भी, बट उसका ना जो कहना चाहिए कि जो उसके ऊपर मैट्रिक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी है और थोड़ा सॉफ्ट है। और अभी इसके ऊपर जो हम लगाएंगे ना मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स नहीं लगाएंगे, सिंपल चटाई रहेगी, और एक छोटा मोटा कुछ गद्दी टाइप का डाल देंगे जिससे सोने में थोड़ा सा ठीक रहे। क्योंकि हनी की ना बैक में यहाँ इस साइड से लेके पूरे पैर में ना एकदम दर्द हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने भी यही हमको सजेस्ट किया है कि आप ना, मतलब अभी या तो ज़मीन में सो लो या फिर सिंगल कोई बेड हो, तो ज़मीन में सोने में क्या, थोड़ा सा ठंडी वाला माहौल, क्योंकि सुबह मतलब बहुत थोड़ी ठंडी लगती है और रात में थोड़ी ठंडी लगती है, फिर तो रात में पूरा ठंडा रहता है ना इसी वजह से, तो जाके एक बैड ही ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और उनका ना जो पेन थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब बढ़ गया था बीच में, अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि हम लोगों ने फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी हुई है ना इसी वजह से। तो अभी चलो इसको सेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। पर बैट का स्ट्रक्चर जो था ना वो पूरा अच्छे से मैंने सेट कर दिया हुआ है, अच्छे से इसको साफ भी कर दिया हुआ है। अभी इसके ऊपर लगानी है प्लाई, तो मैंने इसको प्लाई को भी अच्छे से सेट कर दिया हुआ है।
तीन कोने तो बहुत अच्छे से सेट हो गए थे, बट एक कोने से ना मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सेट ही नहीं हो रही थी। मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी, फिर मैंने देखा ना कि यार सेट नहीं हो, ऐसा तो नहीं कि प्लाई थोड़ी एक तरफ से बड़ी हो गई है, बट नहीं ऐसा नहीं था। मैंने चारों तरफ से उसको अच्छे से लगाया ना, तो वो अच्छे से सेट हो गई है। और अब मैं इसके ऊपर बिछा दे रही हूँ पतली सी गद्दी, तो यहाँ पर मैंने चटाई बिछाई, इसके बाद में इसके ऊपर ये जो मेरे पास रखी थी ना पतली सी गद्दी, एक्चुअली मेरे पास एक्स्ट्रा थी, तो मैं सोच रही इसी को लगा देती हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा ठीक रहेगा, तो उन गड़ेगा भी नहीं सोने में और फिर अच्छे से थोड़ा सा सो भी जाएंगे हनी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया हूँ और अब मैं अच्छे से लगा देती हूँ चद्दर। तो अभी मेरे पास ना सिंगल बेड के लिए चद्दर नहीं है, क्योंकि हमारे तो डबल बेड वाला था, तो अभी मुझे लाना भी है बेडशीट सिंगल की, तो मैं वो भी ले आऊँगी। नई तो पुरानी रखी थी तो वही लगा दी। और ये अब देखो बेड सेट हो गया है। मैंने ना यहाँ पे थोड़ा टेडी वियर भी रख दिया था कि थोड़ा अच्छा सा दिखे, कर दिए हुए हैं। और ये कपड़े प्रेस करने हैं ना, इससे मैंने यहाँ रखे हुए हैं, बाकी कपड़े मैंने अलमारी में सेट कर दिए। और ये वाला जीन्स ना आने का सूखा नहीं था, इधर उधर से थोड़ा सा कमर से थोड़ा सा मोटा भी कपड़ा होता है ना जो सूखा नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया कि रात भर में सूख जाएगा। और मेरे बाल देखो कुछ अजीब गरीब से हो रहे हैं, मैंने क्लेचर वैसे लगा लिया। और सूरज दादा ढल चुके हैं पूरी तरीके से, मतलब ढले तो नहीं होंगे, बट अभी थोड़ा सा ठंडी वाला वेदर है ना, इस वजह से जल्दी दिन ढल गया। और यहाँ पे देखो अजान वाले अजान कर रहे हैं, आरती वाले आरती हो रही है, खाना बनाने वाले खाना बना रहे, सब अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। और अभी बस मैं इस वाले वीडियो ब्लॉग को करूँगी एंड। और हाँ, हमने जो बेड लिया ना, वो एक्चुअली हम लोगों ने मेन तो हनी के लिए लिया हुआ है, क्योंकि हनी के ना बैक में मतलब कमर से लेके पैर में ना उनको दर्द हो रहा था ना, इसी वजह से हम लोगों ने बेड लिया हुआ है। क्योंकि इस वाले बेड के ऊपर ना मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। और नीचे सोने में क्या हो रहा ना, अभी ठंडी का भी ये है सीज़न चल रहा है, तो ठंडी वंडी लगने का भी डर है, इस वजह सोचा कि एक सिंगल बेड ले ही लेते। वैसे भी कोई मेहमान वेहमान आएगा तो फिर उस पर वो सो लेंगे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बेड ले लेते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, इस वजह से एक बेड लेना पड़ा। जो हम लोगों के पास पुराना बेड था ना इस बेड के पहले, वो वाला हमने इंदौर वाले घर में पहुंचा दिया है, नहीं तो हम सोच रहे थे अगर वही हम लोग रख लेते तो अभी हम लोगों का काम हो जाता। अभी लाने का सोच रहे हैं, बट फिर सोच रहे कि वहाँ पे भी रखा है तो रखा रहने, तो नया ले लेते हैं, कोई इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलो अभी इस वाले वीडियो ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और आज वाला आप लोगों को मेरा वीडियो ब्लॉग कैसा लगा, होप कि आपको मेरा आज वाला वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मेरा कोई नया ब्लॉग आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल। और बैट कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।